अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय होम फूड, आपका किचन मेरा रेसिपी। और आज का रेसिपी है बटर गार्लिक नान। इस नान को मैंने बहुत ही इजी मेथड से बनाया है, मैं आपको सारी टिप्स शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर एक नया रेसिपी आप मिस ना करें। और यहाँ पे सबसे पहले हम नान के लिए आटा तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप दही, 1/2 कप के जितना कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। मैं सारी चीज़ों को एक बार मिला लिया है। फिर मैं आटा को अच्छी तरह से गूंद लूँगी। मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने जो दही ऐड किया है उससे मेरा आटा तैयार हो जाएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा पानी का ज़रूरत हो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सॉफ्ट डो तैयार किया है। डो को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसल ले। आपको डो को एकदम स्मूथ और सॉफ्ट बनाना है। और यहाँ पर मैंने डो को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचते हुए टाइट कर लिया है, इससे डो में जो भी एयर बबल्स रहेगा वो निकल जाएगा। फिर डो के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड करके चिकना कर लिया है और इसे ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ दिया है। 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं आटा थोड़ा सा फूल गया है और अच्छे से सेट हो गया है। अगर आपके पास 2 घंटा टाइम नहीं है तो आप इसे कम से कम 1 घंटा के लिए भी छोड़ दें। और यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का लोइया काट लिया है, इसे साइड में रख ले। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में रखा हुआ बटर लिया है और उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ ग्रेटेड गार्लिक यानी लहसुन। इसे अच्छी तरह से मिला ले। मैंने बटर को अच्छी तरह से मिलाया है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ता, इसे भी अच्छी तरह से मिला लिया है मैंने, इसे साइड में रख ले। अब हम चलते हैं नान को रेडी करने के लिए। और यहाँ पे मैंने एक लोइया लिया है और उसको सूखा आटा डाल के नान की शेप में बेल लूँगी। मैं इसको थोड़ा ओवल शेप में बेल रही हूँ, आप चाहे तो इसको गोल भी बना सकते हैं, पर ज़्यादातर नान ओवल शेप में होता है इसलिए मैंने इसे भी ओवल शेप में दिया है, आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं। फिर मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा कलौंजी और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला है। इसे और एक बार रोल कर ले ताकि ये अच्छे से नान के ऊपर चिपक जाए। नान को मैंने बेल लिया है, नान रेडी है, अब इसे सेकेंगे। सेकने से पहले मैंने नान को पलट लिया है और मैंने नान के पीछे के साइड में अच्छे से पानी लगा लिया है, इससे ही नान तवे पे चिपकेगा। और यहाँ पे मैंने एक तवा गरम कर लिया है। आपको ध्यान रखना है तवा लोहे का या एल्युमिनियम का होना चाहिए, नॉनस्टिक तवा पे आप मत बनाइए नहीं तो नान जो है तवे पे चिपकेगा नहीं। और यहाँ पे मैंने नान को जिस तरफ पानी लगाया था उस तरफ तवे के ऊपर दिया है और इसे ढककर 1 मिनट मैंने पकाया है। फिर जब नान के ऊपर बबल्स आया है मैंने तवा को पलट के डायरेक्टली सेका है। आप देख सकते हैं मैं किस मेथड से बना रही हूँ, यह है पहला मेथड। मैं आपको नान बनाने का और एक मेथड भी बताऊँगी। यहाँ पे नान रेडी है। मैं यहाँ पे मैंने जो बटर रेडी करके रखा था मैंने उसको अच्छी तरह से नान के ऊपर लगा दिया है। ये पहला मेथड में नान बनाने के लिए आपको कुछ बात का ध्यान रखना होगा। आपको तवा जो है बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है और बहुत कम गर्म तवा पे भी नहीं डालना है, नहीं तो आपका नान निकल जाएगा। और यहाँ पे मैंने और एक नान बना लिया है, इसे भी मैं सेकूंगी। ये देखिए यहाँ पे तवा जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ पे मैंने डाला है इसको, बबल्स आने पर मैं इसको पलट दूंगी।
और यहाँ पे सेकने के लिए मैंने नान को जब पलटा है तो मेरा नान भी गिर गया है। ये प्रॉब्लम अक्सर सभी के साथ होता है। ये टाइम पे मैं तरह के एक चिमटी से पकड़ के नान को सेक लेती हूँ। ये देखिए, आप इस तरह से भी सेक सकते हैं नान गिर जाने के बाद। और यहाँ पे मैंने रोटी सेकने के लिए जो स्टैंड होता है, ये सभी के घर में होता है, आप इससे भी नान को सेक सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा बनता है। तो नान हमारा रेडी है, मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए, नान बहुत ही सॉफ्ट बना है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप ये बटर नान को बटर चिकन के साथ सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। आई होप ये बटर नान की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।